फ्रेंड्स, मैं आज फेलिंग हार्ट के बारे में क्या सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में चर्चा करूंगा। फेलिंग हार्ट क्या होता है? हम सब जानते हैं कि जो हमारा हृदय है वो 24 घंटे बिना रुके हुए सारे शरीर को ब्लड पंप करता रहता है। अब ये जो ब्लड पंप कर रहा होता है उसके लिए हमारे मसल्स को हार्ट की बहुत हेल्दी होना चाहिए। अब किसी भी कारण से, हार्ट अटैक की वजह से, किसी कंजनाइटल कारण से, या कि हार्ट की मसल में प्राइमरी कोई रीजन प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि कार्डियोमायोपैथी, उनकी वजह से भी वो मसल्स कमजोर हो जाती है और वो जो ब्लड को पंप नहीं कर पाती शरीर के सारे अंगों को, उसको हम फेलिंग हार्ट कहते हैं। वो हार्ट की जो प्राइमरी वर्क है पंपिंग द ब्लड, वो नहीं कर पाती, तो उसको हम हार्ट फेलियर या कि हार्ट जो है वो फेल हो रहा है अपने काम। अब ये देखना है कि इसके लिए हम किस तरह से इसका उपचार कर सकते हैं। सर्जरी एक, दवाइयाँ भी हैं, पर दवाइयों के बाद एक स्टेज आ जाती है कि दवाइयाँ काम नहीं करती, तब फिर सर्जिकल ऑप्शन को हम इवेल्युएट करना पड़ता है। अब वो ऐसी क्या सर्जरीज हैं जो कि हम यूज करते हैं फेलिंग हार्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ता है कि हार्ट क्यों फेल हुआ, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये स्थिति आई। तो उसके लिए हम जानना चाहते हैं कि उसकी एंजियोग्राफी करके उसके हार्ट की आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, इको करके देखते हैं कि उसके वाल्व जो है वो तो कहीं लीकेज तो ज़्यादा नहीं हो गई उसकी वजह से वो फेल नहीं हो गए, या कि कभी कभी क्या होता है प्राइमरली जो होता है हार्ट डायलेट हो जाते हैं और उनकी जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसका पता लगाने के बाद कि क्या रीजन है, सारी दवाइयों का ऑप्शन से एग्जॉस्ट हो जाने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इसकी सर्जरी की जाए। अब यदि किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसमें उसके अंदर ब्लॉकेजेज आ गई हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि हम उन ब्लॉकेजेज को दूर करें या एंजियोप्लास्टी से या कि सर्जरी के द्वारा उनका बाईपास सर्जरी करके कोशिश करते हैं कि यदि उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके तो ठीक है। अब यदि हार्ट की आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं है, तब ये हम सोचते हैं कि वैल्व की खराबी की वजह से तो नहीं है। यदि मान लीजिए उसमें हमें माइट्रल वैल्व या एओर्टिक वैल्व की प्रॉब्लम्स मिलती है, तो हम उनको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं या रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब यदि वो भी नहीं है और हार्ट एज सच डायलेट हो गया है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कि पोस्टपार्टम सिचुएशन में या और किसी भी अननोन कारण से हार्ट डायलेट हो जाए, तब क्या करना चाहिए? और हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, पंपिंग उसकी 10-15% बढ़ जाए, तब हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। या तो हम एक स्पेशल डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस, जिसको कि हम कहते हैं LVAD, लेफ्ट हार्ट असिस्ट डिवाइस, या तो हम वो लगाएं जिसमें कि जो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी है वो हार्ट की मसल के द्वारा ना हो करके इस डिवाइस के द्वारा हो, या कि फिर हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। जो हार्ट खराब हो गया है, पंपिंग नहीं है, उसमें ऐसे कोई व्यक्ति जिनकी इम्पेंडिंग डेथ है या कि जो ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो गए हैं, उनका हार्ट ठीक काम कर रहा है, तो उनका हार्ट निकाल करके, जो कि वो डोनर कहलाते हैं, तो रिसिपिएंट में जो व्यक्ति है जिनका कि हार्ट बिल्कुल खराब है और वो मरने की कगार पे है, उन पर लगाया जाता है। अब दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये LVAD किस में लगा सकते हैं और जो हार्ट ट्रांसप्लांट। इसलिए LVAD जरूरी है कि इतने सारे मरीज अपने देश में हैं और दुनिया भर में हैं, तो वो सब मरीजों को हार्ट मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े सारे मरीज होते हैं जो कि इनको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है एजेंसीज के साथ में, महीनों सालों वेट कर रहे होते हैं, और कब कई कई तो ऐसे होते हैं जो कि वेट करते करते ही उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको हार्ट मिल नहीं पाता है। तो इस कमी को कि हम भाई किसी तरह से दूसरी तरह की सपोर्ट करें, तो उसके लिए मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट किया जाता है। जो पेशेंट ICU में होते हैं उनको दूसरे तरह का सपोर्ट दिया जाता है, और अब एक नई पद्धति, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस LVAD जिसको कहते हैं। उसमें हम यदि लेफ्ट साइडेड हार्ट है जो फेल हो गया है उसको सपोर्ट कर सकते हैं,
जो आर बैट जिसका कि राइट हार्ट सपोर्ट हो गया है, या कि बाई बैट जिनके दोनों साइड के हार्ट यदि फेल हो गए उनको बाई बैट दोनों वेंट्रिकल को सपोर्ट करने की भी टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है। अब ये जो जो एल बैट है वो तीन तरह से उपयोग में आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि जिनमें ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि हार्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल संभव ही नहीं है, वो एडवांस एज के हैं, या कि बड़े सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, किडनी की बीमारी है, उनको सिग्निफिकेंट डायबिटीज है, ऐसे व्यक्तियों में हार्ट ट्रांसप्लांट यदि इंडिकेटेड नहीं है तब तो उनको हम एल वैट एज ए प्राइमरी थेरेपी देते हैं कि जो एल वैट एक बार लगा दिया और वो 10 से 15 साल तक एल वैट काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन थेरेपी एज ए प्राइमरी थेरेपी। दूसरा होता है थेरेपी जिसमें कि एल वैट लगाया जाता है वो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे पोस्टमार्टम या कभी कभी किन्हीं किसी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ तो उनके हार्ट उस समय तो खराब है लेकिन बाद में उनके ठीक होने की संभावना होती है। तो ऐसे व्यक्तियों में यदि हम एल वैट लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रिज टू रिकवरी, मतलब तो हमने अभी सपोर्ट कर दिया महीने दो महीने साल दो साल बाद में उनके हार्ट की रिकवरी हो गई तो फिर उसको हमने उस एल वैट को निकाल लेते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रिज टू ट्रांसप्लांट, तब तक लगा हुआ है ब्रिज टू रिकवरी जब तक कि इनकी रिकवरी ना हो जाए। तीसरी कैटेगरी के पेशेंट ये होते हैं कि जिनको कि दो कैंडिडेट हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के वो वेट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कब उनको हार्ट मिले, लेकिन उनकी कंडीशन कभी कभी ऐसी बिगड़ जाती है कि वो बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाते, उस समय हम उनमें एल वैट लगा देते हैं और उसको हम कहते हैं ब्रिज टू ट्रांसप्लांट, मतलब वो वेटिंग कैंडिडेट है ट्रांसप्लांट के लिए लेकिन हमें उनको तब तक हम एल वैट या मशीन से सपोर्ट करेंगे जब तक उनको हार्ट न मिल जाए। तो ये तीन तरह के ये जो इंडिकेशंस होते हैं एल वैट के वो लगा देते हैं। एल वैट जो है वो महंगी थेरेपी है, वो सबके लिए संभव नहीं है, ऐसे इसमें ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और कंपनी जो जो इसको बनाती है उन्होंने बहुत सारा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट लगाया होता है, तो इसकी कास्ट जो है भी काफ़ी है और वो हर व्यक्ति के लिए संभव शायद ना हो पाए कि अफोर्ड कर सके, पर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी कुछ लोगों को मदद करते हैं। अब एल वैट के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है जो टेक्नोलॉजी है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। अब हार्ट ट्रांसप्लांट जैसा कि हमने बताया कि हार्ट मिलना बहुत आसान नहीं होता, बड़े सारे लोग व्यक्ति हैं जो सालों साल वेट कर रहे होते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं वेट करते करते उनकी डेथ हो जाती है। नाउ हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत ही उम्दा विधि है जिसके द्वारा किसी को मदद की जा सकती है। सबसे बढ़िया जो रिजल्ट है फेलिंग हार्ट के लिए वो हार्ट ट्रांसप्लांट का ही है। अब जो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं वो ऐसा नहीं होता कि किसी का हार्ट किसी को लगा दिया जाए, ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है व्यक्ति जो कि वेटिंग है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए उसका पहले ब्लड ग्रुप किया जाता है, उस ब्लड ग्रुप का रजिस्ट्रेशन उसका होता है, एक नोडल सेंटर होता है जैसे कि दिल्ली में हमारे पास नोटो है, वो नोटो में उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि अमुक व्यक्ति है अमुक अस्पताल में वेटिंग है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, उसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो भी रजिस्टर कर दिया जाता है। इसके बाद दिल्ली में या दिल्ली के बाहर कहीं भी यदि कोई डोनर अवेलेबल होता है उस ग्रुप का तो वो फिर उस सेंटर के द्वारा उस अस्पताल को सूचना मिलती है कि अमुक जगह पर एक प्रोबेबल डोनर अवेलेबल है जो कि इस व्यक्ति से मैच कर रहा है, आप इसको कोशिश कर सकते हैं। तब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहाँ कॉन्टेक्ट किया जाता है उस सेंटर में, उसमें ये देखा जाता है कि वो जो डोनर है वो किस शहर में है, वहां से ट्रांसपोर्ट हार्ट का कैसे किया जा सकता है, हवाई जहाज से लाया जा सकता है कि एम्बुलेंस से लाया जा सकता है, वो कोई मान लीजिए कोई पास के शहर का है या दिल्ली के अंदर का है तब वो एम्बुलेंस से आ सकता है, यदि हार्ट मान लीजिए मुंबई में है पुणे में है उसके लिए फिर हमें एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ सकती है। वो एयरक्राफ्ट दो तरह से हो सकता है, या तो सिविलियन एयरक्राफ्ट जो रूटीन फ्लाइट से उससे आ सकता है या कि फिर चार्टर्ड फ्लाइट से ही आ सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो सब किए जाते हैं कि कहाँ क्या संभव है
और ये भी देखा जाता है कि जो हार्ट व्यक्ति का हार्ट अवेलेबल है उसका हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है, उसके लॉजिस्टिक्स क्या हैं। हमारी टीम फिर यहाँ से जाती है वहाँ, कोई जो डोनर होता है उसमें सिर्फ हार्ट का नहीं, कई अंग होते हैं जिनके डोनेशन किए जाते हैं, लिवर है, किडनी है, आते हैं, उन सब का, उन सब टीमों से भी फिर एक तरह का सामंजस्य किया जाता है और फिर ये सारी जो ऑर्गन्स हैं उनको रिट्रीवल का सिस्टम बना जाता है। टीमें अस्पताल से जाती हैं पूरी अपनी साज सामान लेकर के, वहाँ जाकर के फिर लीवर की टीम अलग काम करती है, किडनी की अलग करती है, हार्ट की अलग करती है, अब वो फिर अपने अपने अंग लेते हैं, उसको प्रिजर्व करते हुए फिर वापस लाते हैं और इसके बाद फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यदि अनुकूल रहा और हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है तो इसके बाद फिर पेशेंट को ICU में शिफ्ट किया जाता है, उसकी रिकवरी होती है और रिकवरी के बाद फिर जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ पेशेंट होता है अच्छा महसूस करता है, ठीक होता है, तो फिर डिस्चार्ज किया जाता है।